तबाही के बाद मलबों में दबी जिंदगी, पूरे 6 दिन तक पल पल बढ़ते मौत के आंकड़े, खंडहरों के बीच कई दिनों तक जंग लड़ती जिंदगी, जान बचाने के लिए जद्दोजहद करती कई देशों की आपदा राहत टीमें, कई दिनों तक मलबों के नीचे जिंदगी की तलाश चलती रही। भारत से गई एनडीआरएफ की टीमों ने सैकड़ों जिंदगियों को महफूज निकाला। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे में हर वक्त भारत की टीम जुटी रही। कई मंजिला इमारतों के मलबों में फंसी जिंदगी की तलाश कर पाना जब जब मुश्किल हुआ, तब तब मुसीबत में काम आए भारत के रोमियो और जूली, जिन्होंने तुर्की में भारत का परचम लहरा दिया। इन दोनों ने तुर्की में तबाही के बाद जिंदगी को बचाने के लिए जो कुछ किया उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वो बेजुबान थे लेकिन बिना बोले बहुत कुछ कर आए। भारत की ये लैब्राडोर डॉग की जोड़ी जो हजारों मौतों का चश्मदीद बनकर भारत लौटी है, कई जिंदगियों को मलबे से तलाश कर बाहर निकाली है। तुर्की की गाजियाटेप के नूरदागी शहर में 6 साल की बच्ची बेरेन को मलबे से जीवित निकालने में मदद करने वाली जूली की तारीफ हर तरफ हो रही है। भारतीय एनडीआरएफ टीम के साथ गई ये जोड़ी तुर्की के अलग अलग हिस्सों में घूमकर मुसीबत में फंसी जिंदगियों को बाहर निकालने में मदद की। 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के दौरान भारतीय दल के साथ साथ रोमियो जूली तुर्की के साथ साथ दुनिया के पटल पर छा गए। बता दें कि तुर्की में आए 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद तुरंत भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त का ऐलान किया गया था, जिसके तहत तुर्की गई भारतीय टीम के साथ साथ रोमियो जूलियट भी साथ गए थे। इन दोनों की जोड़ी ने जो किया वो ना किसी टेक्नोलॉजी के बस की बात थी, ना ही इंसानी ताकत के बलबूते संभव था। भारतीय डॉग की इस जोड़ी ने न सिर्फ तुर्की में जिंदगियों को बचाकर लौटी बल्कि भारत की उदारता और मानवता के प्रति समर्पण का उदाहरण पेश कर भारत आई है।